हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बच्चे जो है हमारा नेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए हम जो एप्लीकेशन को चाहे उसका नेट जो है वो बंद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं ये एक पर्टिकुलर ऐप पर ज़्यादा जो है वो वक्त बिताते हैं, तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि उनके कुछ सिलेक्टेड ऐसे गेम्स या तो फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो ज़्यादा हमारा इंटरनेट जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें बंद कैसे करें। एक एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा है, मैंने प्रैक्टिकली इसे टेस्ट किया है और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन मुझे लगा, तो सोचा कि ये प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपसे भी शेयर की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं कौन सा वो एक जादुई एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें टाइप करना है कुछ इस तरीके से, नेट ब्लॉकर। देखिए ऊपर की तरफ जो है फिलहाल, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक है, तो आप डायरेक्टली वहां से भी जंप करके आ सकते हैं प्ले स्टोर ऑन किए बिना। यानी प्ले स्टोर का ही लिंक है, प्ले स्टोर से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका हमें नज़र आएगा जब हम इसे ऑन करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। दोस्तों, ये सारे एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर है, सिस्टम एप्लीकेशन भी है। अगर आप चाहे तो सिस्टम एप्लीकेशन को टेम्पररी यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी लॉन्चेबल एप्लीकेशन हैं हमारे वही यहाँ पर हमें नज़र आए, तो हम राइट साइड में बॉटम में यहाँ पर तीन लकीरें देख रहे हैं, तो यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर जो है ऑप्शंस जो है वो खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है शो ओनली लॉन्चेबल ऐप्स। यहाँ टैप करने के बाद वही एप्लीकेशन यहाँ पर हमें नज़र आएंगे जो लॉन्चेबल है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम की होती है, तो जो लॉन्च नहीं होती है, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन सारे ही मौजूद हैं जो लॉन्चेबल हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे गेम्स मेरे मोबाइल में हैं, या फिर यूट्यूब, हम जानते हैं कि बच्चे जो है वो कितना यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो टेम्पररी कुछ वक्त तक के हम इसे ब्लॉक करके दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकल, यहाँ पर अगर मैं इसको यूट्यूब को टैप करके इसे ऑन करता हूँ, नीचे की तरफ एक बटन है, यहाँ पर इसे अगर हमने ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद जो है मैसेज भी आया कि एक एप्लीकेशन आपका ब्लॉक है, तो हमें बाहर आना है, सिंपल कुछ करना नहीं है। तो यूट्यूब हम जब ऑन करेंगे, तो ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि ये सिर्फ जो है वो बफरिंग ही हो रहा है। यानी यहाँ पर जो है वो प्रोसेस में है लेकिन कहीं पर भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। यानी ये जो है वो इस एप्लीकेशन का नेट जो है वो बंद हो गया है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली कोई और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं क्रोम हम ऑन करते हैं, क्रोम ऑन करने के बाद कोई भी जैसे मैं ऊपर की तरफ URL टाइप करता हूँ या सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर जीमेल किया, इमेज पर टाइप कर रहा हूँ तो इमेज, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि गूगल क्रोम में जो है वो नेट हमारा ऑन है और जो है यहाँ पर इसके अंदर YouTube के अंदर हमारा जो नेट जो है वो बंद हो गया है। देखिए दोबारा मैं आपको यहाँ पर लगा कर बता दूँ, YouTube जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये सिर्फ घूमता ही रहेगा यहाँ पर, तो कोई प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आगे की जो है वो नज़र नहीं आएगी, वीडियोस नज़र नहीं आएंगे। तो इसमें होगा क्या कि अगर बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, तो उन्हें लगेगा क्या किसी वजह से जो वो नेट नहीं चल रहा है। तो अगर आपका डेटा जो है वो कम है, किसी वजह से अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते, तो इस तरीके की आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके टेम्पररी नेट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसे दोबारा ऑन करें, नेट ब्लॉकर ऑन करते हैं, इसके टिक को हटा देते हैं या फिर ऑफ कर लेते हैं इसे, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए मैं यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ, तो यूट्यूब जैसे मैंने ऑन किया तो ये फ़ौरन ऑन हो गया, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये काम करता है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और इसमें और एक बेनिफिट भी है हमारा कि बैकग्राउंड डेटा जो है वो कोई एप्लीकेशन हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत सारी बार ऐसे भी होता है कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होते हैं और वो डेटा हमारा यूज़ करते रहते हैं, डेटा हमारा कंज्यूम करते रहते हैं, ऐसे में हमारा नेट पैक भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में हमारे डेटा को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसे बंद कर दें, तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम बंद कर सकते हैं। तो ये फ्री का ऐप है जो है, इसके अंदर डेफिनेटली एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, आप इसे यूज़ करके देखिए, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक की आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।